कभी सरदारों के 12 बज गए होए तो कभी लस्सी लस्सी बोल कर चिढ़ाने का समय बीत चुका है। पिछले साल जब मस्ताने फिल्म आई तो उसने बॉलीवुड तक को हिला दिया कि पंजाब में इस तरह की एक बड़ी फिल्म कैसे बन सकती है, और वह भी केवल एक सेट के ऊपर। अब फिर एक बार ऐसा ही कमाल पंजाब में दोबारा होने जा रहा है। आज के वीडियो में यह जानकारी आपको दी जाएगी, तो वीडियो पूरा देख कर समझ कर आगे शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हरि सिंह नलुआ का नाम तो आप सभी ने सुना है ना, बस उसी महान योद्धा पर एक बड़ी अपडेट आई है जिसे जानना हर किसी का हक है। हरि सिंह नलुआ एक ऐसा योद्धा जिसने पठानों को सलवार पहनने पर मजबूर कर दिया। आज भी अफगानिस्तान में हरिया नाम से लोग कांपते हैं। उस हरिया यानी कि सरदार जर्नैल हरि सिंह नलुआ पर एक बड़ी फिल्म आने वाली है। फिल्म के साथ साथ एक वेब सीरीज भी आने वाली है, और यह दोनों ही कोई एनिमेशन नहीं बल्कि एक बड़े पर्दे की फिल्म होगी, लाइव एक्शन मूवी जिसे बोला जाता है। दोस्तों, जब तानाजी द अनसंग वॉरियर फिल्म आई थी तो उस समय अजय देवगन ने बोला था कि वह एक बड़ी बायोपिक मूवी बनाएंगे, तानाजी से भी बड़ी। पर जब उनका विरोध हुआ सिखों के द्वारा तो उन्होंने उस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया और वह प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया, क्योंकि बॉलीवुड ने तब तक पंजाबियों के कैरेक्टर को सही से नहीं दिखाया था और हमेशा ही पंजाबियों का सिखों का फिल्मों के अंदर मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन उसी समय किसी और ने इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया और सरदार हरि सिंह नलुआ जी के परिवार से बात करके सरदार जर्नैल हरि सिंह नलुआ पर फिल्म बायोपिक बनाने के लिए राइट्स ले लिए, और उसके बारे में उन्होंने एक पोस्ट के द्वारा साझा किया जिसे आप अभी वीडियो के अंदर देख रहे हैं। इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगी प्रवलीन कौर और इस फिल्म के राइट्स है अल्माइटी मोशन पिक्चर के पास। जर्नैल हरि सिंह नलुआ के जीवन को एक किताब से लिया जाएगा और यह किताब सरदार हरि सिंह नलुआ जी के परिवार में उनके वंशज विनीत नलुआ ने लिखी है, जो उनकी पीढ़ी में 7वीं पीढ़ी में आते हैं। IMDB के ऊपर जो लिखा हुआ आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। साल 2020 से इसके ऊपर काम चल रहा है। इस कहानी को दुनिया के सामने ग्राफिक्स के तौर के ऊपर रखना एक बड़ा कठिन और बहुत ही परिश्रम वाला काम है। इसमें किसी भी भूल के लिए कोई भी जगह नहीं है, इसीलिए इन प्रोजेक्ट में कई साल लग जाते हैं। इस पर फिल्म बन रही है और वेब सीरीज भी, और इसकी पुष्टि IMDB के ऊपर हो चुकी है और न्यूज एक्सप्रेस के द्वारा भी एक आर्टिकल के अंदर लिखकर इसकी पुष्टि की गई थी साल 2020 में, लेकिन तब से इसके ऊपर अभी कोई नई अपडेट नहीं आई है। अब इसके साथ दो और बड़ी फिल्में भी आने वाली हैं जो सिख इतिहास के साथ संबंधित है, जिसमें एक साल 2024 में और एक साल 2025 में आएगी, जिसके बारे में आपको अगले वीडियो के अंदर जरूर बताएंगे। यदि आप इस वीडियो को भरपूर प्यार देंगे, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करेंगे। सिख धर्म के लिए, एशिया के लिए इससे बड़ी खुशी की कोई भी बात नहीं हो सकती। तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।